गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के पूनम ब्लॉग्स के चैनल पे। तो सुबह हो गई है, सुबह उठते ही एक लेडीज़ के ज़िंदगी में काम धाम शुरू हो जाता है। तो कल के कपड़े मैंने नहीं धुले थे, बुखार काफ़ी तेज़ था, तो अभी को कपड़े उपड़े धुल के रख दिए हैं। और ये लोग के चप्पल में बहुत ढेर सारे मिट्टी लगे थे, सैंडल में सब धोए। तो हम सोच रहे पहले नाश्ता बना लें इन लोगों के लिए, फिर उसके बाद दवा ववा खा के हम भी रेस्ट करते हैं। बस दवा खा कर काम कर रहे हैं। तो आज मैंने सफ़ेद उड़द की दाल देखिए भिगो के रख दी थी, सोच रही हूँ इसको धुल के थाली में निकाल रही हूँ और इसको मिक्सर में जा रही हूँ, मिक्सर की बाटी में पीसने और बड़ा छान देती हूँ और चाय बना देती हूँ नाश्ता में। काफ़ी देर से दाल पड़े थे, ख़राब हो गए थे, तो हम सोचे कि ख़राब होने से अच्छा है मैं उसको यूज कर डालूँ। तो मैं जा रही हूँ इसको जिसने इसको और जिन जिन लोगों को बड़ा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग जुड़े रहिए। मैं दाल और पीस के सब उसके बाद मिलती हूँ। तो क्या बात है मम्मी, सुबह सुबह क्या लग गए किचन में पीसने इसने में? अरे ये वाइट दाल था ना, तो मैं सोची कि इसको आज बड़ा बना देती हूँ। उसमें पीसने के लिए जीरा अदरक मिर्चा लहसुन पीस दी हूँ, थोड़ा बड़ा चटकार लगेगा। दाल भी मेरा पीस के हो गया है और उसके में जो डालने वाला मसाला भी हो गया है और इधर चाय भी रख दी हूँ, चाय धीरे धीरे हो रहा है। इसको मैं डाल के अब जा रही हूँ बड़ा छानने। अरे बाप रे बाप, मेरी जो कंडीशन है इस समय सच में बहुत ख़राब है। इस हालत में मुझे काम करना एकदम मन नहीं करता है, लेकिन बच्चों को देख के अगर मैं पड़ जाऊंगी तो मेरी हालत बच्चे लोग को कौन देखेगा। अरे बाप रे बाप। तो यहाँ पे देखिए मम्मी चाय भी रख दी हैं, बस अदरक डालने का देरी है। जा रही हूँ अदरक डाल के कढ़ाई चढ़ा के फटाफट में बड़ा अच्छा लूँगी, क्योंकि मेरा भी मन एकदम फीका हो गया है बुखार से। 3 दिन से कंटिन्यू बुखार हो रहा है, एकदम मन फीका हो गया है, पानी जैसा एकदम मन कर रहा है। तो मुझे भी चटकार कुछ खाने का मन कर रहा है, खाना तो बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है, खाना ले रही हूँ छोड़ दे रही हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए, हम तब से कम करके मिलते हैं। तो फैमिली इधर देखिए बड़ा की तरह क्या होता है, ऐसे पानी चिपका के से कर रहे थे, बहुत नमक डालने में ना पूरा गीला हो जाता है। और एक तो मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल के पीसो, सील पे पीसो तो अच्छे से बड़ा होता है। तो मैं इसको पकौड़ी की जैसा आकार में ऐसे छान दे रही हूँ। चाहे गोल बना के खाओगे तो भी पेट में जाएगा, चौकोर बना के खाओगे तो भी पेट में जाएगा, और ये देखिए भजिया की तरह गरम गरम छानोगे तो भी पेट में जाएगा, और ट्रायंगल वाला भी बनाओगे तो भी पेट में जाएगा। हाँ सही बात है। तो ये हमारा देखिए गरम गरम बड़ा छान के हो गया है। और यश को भी बहुत ज़्यादा ये सब पसंद है, चीज़ों को भी पसंद है, यश को भी पसंद है, लेकिन हमारे बच्चे ये सब नहीं खाते हैं। क्या है वहाँ से खाता हूँ मैं? हाँ आप खाते हो, भैया को सुबह बोली ना, भैया बोला कि अरे क्या ये कर रही, जबकि सुबह 8 बजे मैं दाल को भिगोई हूँ, 9 बजे पीसना स्टार्ट करी, 9:15 बजे सारे कपड़े थे इन लोग के, सैंडल वगैरह थे सब धुली हूँ। अगर दाल में नमक डाल के रख देंगे ना तो पूरा गीला हो जाएगा, जब छानना रहता है तभी नमक डालती हूँ। इधर देखिए मैं प्लेट में भी नमक का निकाल के रख दी हूँ, अब थोड़ा थोड़ा मिक्स करके मैं सानूंगी। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। A few moments later मैं भी नहा ली हूँ और जा रही हूँ दवा लेके आऊँगी, जब खा के फिर से रेस्ट करूँगी, क्योंकि बगैर डॉक्टर को दिखाए आराम नहीं होगा। और तो पता नहीं ये सीजन की वजह से जो ये मौसम गरम ठंडा हो रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, तबीयत ख़राब है। बच्चे लोग दुकान पे हैं, मैं घर पे अकेली हूँ और आज आरओ का छुट्टी है। आज आरओ के स्कूल के पास गणेश भगवान बैठते हैं, वहाँ का विसर्जन है, इसके लिए उसकी स्कूल का छुट्टी है। चावल हो जाता है तो मैं दवा के लिए जाती हूँ। तब तक जो कपड़े बच्चे ने इतने ढेर सारे कपड़े फैलाए हुए हैं, तब तक मैं सब समेट लेती हूँ और
फिर उसके बाद मिलती हूँ। मशीन देखिए हमारा रखा हुआ है, लेकिन मशीन का जो चक्का पता है कि ऐसे ऐसे से हिलता है, तो उसको कितनी बार सबसे बोली कि उसको सही करवा दो या किसी बुला के दिखा दो, कोई अभी सही करवा नहीं रहा है। सही रहता तो कोई सिलाई वगैरह करती। अब आप लोग जुड़े रहिए, मैं सारा काम समेट के फिर आप सबसे मिलती हूँ, उनता वाले ले जाती हूँ। तो फैमिली देखिए, जो सारे कपड़े फैले हुए थे मैंने छाट के इस झोले में, चैन का झोला है इसमें मैंने सारे कपड़े छाट के रख दिए हैं। और इतने जो कपड़े हैं प्रेस करने के लिए हैं, तो मैं अब जा रही हूँ, दवा लेके आती हूँ, तो फिर उसके बाद प्रेस करती हूँ। घर को मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी आप लोग को कचरा नहीं दिखेगा। अभी बर्तन नहीं धुले हैं, आवाज़ भी निकल रहा है जैसे हाँप रही हूँ काँप रही हूँ, ऐसा आवाज़ निकल रहा है। किचन की साफ़ सफाई नहीं है, केवल घर की साफ़ सफाई हो गई है। आर्यन अभी दुकान से फ़ोन किया था, मम्मी चना का दाल भेज दो, चना का दाल चावल बना दूँगी, उसको चना का दाल बहुत पसंद है। लेकिन तबीयत बराबर ना होने के अभी सुबह सुबह क्या मैं बताया कि सफ़ेद उड़द का दाल पी भेगो के पीस के उसका पकौड़ी जैसा बना दी थी, मेरे बच्चे को बिल्कुल पसंद है। तीन चार केवल खाया, वो भी कहते सुनते तीन चार आरो खाया, मैं खाई यस खाया। अभी थोड़े से बच्चे भी हैं कटोरी में, आप लोग देख सकते हैं थोड़े से बच्चे भी हैं। यस आएगा दोपहर में, पूछ लूँगी खाना खाते समय खाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो धीरे धीरे जब मेरा मन थोड़ा कुछ खाने मन करेगा वही खा लूँगी। और घर में जा रही है, थोड़ा सा बाहर निकलूँ कुछ लेके आऊँगी, बच्चे लोग को भी कुछ खिला देते हैं, सुबह से वो लोग कुछ खाए पिए नहीं हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, हम मिलते हैं हॉस्पिटल में। 5 मिनट्स लेटर, तो आप लोग देखिए फैमिली मम्मी हॉस्पिटल में आ गई है, मेरे पास मम्मी बुला लिए और डॉक्टर मम्मी से जो जो हुआ है उनको तो सब बताया गया कि मैंने शूट किया था पीछे से, जो मम्मी और डॉक्टर वो आवाज़ नहीं आया था, जो अच्छे से बैकग्राउंड आवाज़ थी, मतलब कि गाड़ी और चल रही थी, वही कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी, ओवर आवाज लगा दे रहा हूँ। क्या मैं देखी मम्मी, अरे डॉक्टर मम्मी का भी देखी, बीपी चेक करेंगे डॉक्टर आके, और फिर मम्मी से पूछ रही हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मम्मी अब से बता रही खांसी हुआ है, मम्मी बोली कि आरोप एक दवा तो मैं एक बार मतलब कि देख ली थी, बोले कि मम्मी मेरे को बोली आर्यन जाओ दवा लेके आओ, डॉक्टर के बगल इधर क्लिनिक है, क्लिनिक के बगल में हॉस्पिटल ऐसे क्या बोलते बताओ मेडिकल है। यहाँ पे देखिए ये रहता है मतलब कि मेडिसिन सर्टिफिकेट वो लेके आने में यहाँ पे दे दें कि दवा ले लिए मम्मी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फुफा के जस्ट दुकान के सामने मतलब कि मेडिकल, तो देखिए मम्मी तो दवा ले रही है, देखते हैं ठीक होती है कि नहीं, अगर ठीक हो गई तो आज हम लोग जाएंगे क्लिनिक में, इसका ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तो हम लोग ब्लॉग में जुड़ेंगे, मिलते हैं आपसे कुछ देर में। तो यहाँ पे देखिए दवा लेके आ गए और अपना सब प्लस माइनस कर लें, जो भी किन्ने का दवा हुआ किन्ने का नहीं हुआ, तो आप लोग ब्लॉग में जुड़ेगी जब मम्मी के पास चलता हूँ, तब ये अपना सब कर लेंगे, तो आप मम्मी के पास चल के तब आप सबको दिखा। इधर में दवा लेके आ गए, इधर देखिए नहीं, इधर जो जीजा की दुकान के सामने डॉक्टर नहीं है, अभी खुला है रोगी क्लिनिक, नहीं ये तो इधर वाला इधर आया है ना, जो इधर था जो मोबाइल की दुकान के सामने था वो कहीं और चला गया, जो जीजा की दुकान के सामने वो तो वहीं पे है। ये घोल बनाने के दिए हैं, बोले एक बॉटल पानी में इसका घोल बना के थोड़ा थोड़ा जब वीकनेस महसूस होगा तो फिर ये वाला पीना, तो मैं घोल बना रही हूँ, इलेक्ट्रो घोल बना के पीना है बाबा, वाटर में रख के थोड़ा थोड़ा। हाँ पहले घोल लो,
और दवा भी निकाल रही हूँ। मैं बोली ज़्यादा दवा मत दो, फिर भी कितने का 300 का दवा हो गया ना, 300 का दवा यही, बस ये दवा और ये घोल 300 का हो गया। और फिर भी दवा पीके मैं आपसे यहाँ पे देखिए हमारा फाइनली चावल फ्राई बन के रेडी हो गया है। और खाए देखो पसीना हो रहा है ना, बुखार उतर रहा है। तो चलो अच्छा है, भगवान उतर जाए उतर जाए, तो फिर शाम को चलेंगे घूमने। इन लोग को केवल घूमने का ही लगा। मम्मी आपका ये देखो वाइट बाल हो गया, मम्मी बुढ़ी हो गई। मम्मी बुढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली फैमिली हम चावल फ्राई बन के, आप लोग भी सिंगदाना डाल के चावल फ्राई करते हैं कमेंट में जरूर बताना। तो मम्मी आप चावल फ्राई कर रही है और आ रहे उधर पे ड्राइंग बना रहे, तो आप लोग ब्लॉग में जरूर रहिए। जब हम निकले बच्चे भूख के मारे बोल व्याकुल हो रहे थे, मैं फटाफट चावल फ्राई करके दे रही हूँ। हालत इस समय बहुत बेकार हो गया है, आप लोग समझ सकते हैं। 3 दिन से कंटिन्यू बुखार आ रहा है और बुखार में एकदम सही डॉक्टर ने हमको घोल दिया है पीने के लिए, घोल वीकनेस महसूस हो रहा है, वही घोल बोले हैं बार बार पीने के लिए। लेकिन अपनी तबीयत को ध्यान में रखते हुए बच्चों को भी ध्यान में रखना है, जो भी बढ़ जा रहा है बस पेट भरने से मतलब है। बना दे रही बच्ची लोग खाना, गर्मा गर्म दे रही हूँ चावल फ्राई खा लेंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में।